प्राचिया, मैं सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीडाना में 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बुद्धंकला की रहने वाली हूँ। मैंने केके एचडी में ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया था। मैं अब फाइनल तक पहुँच चुकी हूँ। ये मेरी हार्डवर्क की वजह से है और मेरे को ड्राइंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मेरे को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है और मैं स्कूल में भी जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारे स्कूल में एक टीम आई थी केके एचडी से। मुझे उससे पता चला कि किसमें कितना है दम। टीवी शो में मैं अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ। मेरा फर्स्ट राउंड महाराजा अग्रसेन स्कूल में हुआ और सेकंड राउंड ओलिव पब्लिक स्कूल में हुआ था। थर्ड राउंड आर्यन पब्लिक स्कूल में और फोर्थ महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में हुआ था। अब मैं चारों राउंड क्लियर करने के बाद फाइनल में पहुंच चुकी हूं।
आशीष बिश्नोई, प्रिंसिपल सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिडाना। आज जो किसमें कितना है दम की टीम हमारे स्कूल पहुंची है, हमारे स्कूल की छात्रा प्राची सिक्स्थ क्लास की ड्राइंग कंपटीशन के अंदर फाइनल में पहुंची है। इसके लिए इस छात्रा को मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं और पूरी KKHD की टीम को भी बधाई देता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों में छुपी हुई इन प्रतिभाओं को एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है। प्राची एक बहुत ही होनहार छात्रा है और स्कूल में होने वाली हर प्रकार की प्रतियोगिता में ये एक अच्छा स्थान प्राप्त करती है। हमारा स्कूल जो टीचर्स हैं वो भी हर तरह से समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके बच्चों में छुपी प्रतिभा को निकालने का एक प्रयास करते हैं। हमारा स्कूल जो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बेहतरीन करता है, हमारे स्कूल के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा एक खेल नर्सरी भी संचालित है जिसकी छात्रा आशा बिश्नोई ये भी नेशनल में ब्रॉन्ज ले करके आई है। हमारी थ्रोबॉल की टीम भी राज्य में प्रथम रही है। बोर्ड परीक्षा परिणाम में भी हम जिले में टॉप 3 पोजीशन में, राज्य में भी हमारा परिणाम टॉप 10 में हमेशा बना रहता है। प्राची जो फाइनल में पहुंची है इसको हम शुभकामनाएँ देते हैं कि ये फाइनल में विजेता बन करके अपना अपने परिवार का नाम रोशन करे, क्योंकि जब छात्र आगे बढ़ता है और उसकी कोई अचीवमेंट होती है उसी से ही स्कूल का नाम रोशन होता है। तो एक बार फिर से मैं इस टीम को और हमारी छात्रा को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। आज हम करवा रहे हैं आप लोगों को 10.1 का 15 क्वेश्चन। फर्स्टली आप इसकी स्टेटमेंट देखो, स्वीटी रन्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी है वो रन कर रही है, कोई भी स्क्वायर पार्क है उसकी साइड दे रखी है आपको 75 मीटर। फिर बोल रहा है बुलबुल रन अराउंड ए रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेथ 45 मीटर। बुलबुल है वो अराउंड कर रही है, एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रहा है आपको। दो पार्क दे रखे हैं, एक स्क्वायर है एक रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 60 मीटर, ब्रेथ है 45 मीटर। आपको क्या बताना है कि हु कवर्स लेस डिस्टेंस, जो स्क्वायर है जो रेक्टेंगल है, आपको ये बताना है दोनों में लेंथ कितनी कवर करेगी। फिर जो दोनों में जो कम है आपको उसका नेम बताना है कि किसने आपको। फिर आपको एरिया वो पैरामीटर निकाल के रेक्टेंगल वो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, फिर आपको बताना है कि किसने डिस्टेंस कम कवर की। फर्स्टली क्या लिखोगे, क्या दे रखा आपको, फर्स्ट स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल? उसकी साइड कितनी है? हमारी चारों साइड इक्वल होती है तो चारों ही 75 मीटर की आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के उसकी डिस्टेंस टोटल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 मल्टी साइड, तो साइड की हमें जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देंगे, 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे हम 75 के साथ। नमस्कार, मेरा नाम मीनू है, मैं सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिडाना जिला फतेहाबाद में एज ए TGT इंग्लिश के रूप में काम करती हूँ। आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे स्कूल की जो छात्रा छठी क्लास में पढ़ती है जिसका नाम प्राची है, उसने किसमें कितना है दम में ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया और विजयी रही। तो आज उसी उपलक्ष में ये हमारे और हमारे स्कूल के लिए एक बहुत ही पिछले 20-22 सालों से जो बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, इसके जो अध्यापकगण हैं उनके साथ साथ जो हमारे प्रिंसिपल श्री सतीश बिश्नोई जी, उनके नेतृत्व में ये स्कूल दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। यहाँ के जितने भी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं वो आपस में बहुत ही मेलजोल के साथ काम करते हैं, और इसके अलावा वो छात्रों की ना केवल पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देते हैं अपितु उसके साथ साथ वो उनकी सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी पूरा बल देते हैं, जिसके साथ साथ वो बाकी सभी क्षेत्रों में भी प्रगति कर सकें। यहाँ सिर्फ बच्चों की शैक्षणिक गतिविधि पर ही ध्यान नहीं दिया जाता अपितु उनके बहुपक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है।
नमस्कार जी, मेरा नाम राजबीर है जी, गांव बुथन कला, तहसील व जिला फतेहवाज हरियाणा, और हमारा काम है जी खेती बाड़ी का। मेरी बेटी का नाम प्राची है जी, और वो सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिडाना में पढ़ती है, और ड्राइंग प्रतियोगिता में वो किस में है कितना दम प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में प्रवेश कर चुकी है जी। हमें इस बात की बहुत खुशी है, हमारी बच्ची पढ़ाई लिखाई में बहुत ही बढ़िया है, ड्राइंग प्रतियोगिता में उसने फाइनल राउंड तक सफर क्लियर किया है। इसके लिए हम स्कूल प्रशासन और इनके दादा दादी, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबका कड़ी मेहनत और का ही परिणाम है कि वो आज ये मुकाम तक पहुंची। स्कूल के अंदर किसी भी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेती रहती है, और पढ़ने लिखने में भी इंटेलिजेंट है जी, खेल कूद के अंदर भी, स्पोर्ट्स के अंदर भी कुछ अपना योगदान देती रहती है, और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है कि उसका उज्जवल भविष्य रहे जी। नाम शारदा है और मैं प्राची मम्मी हूँ, गांव बुथन कला से, और प्राची ने हिस्सा लिया है ड्राइंग में माटा, और वो सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, और घर पे और स्कूल में ड्राइंग बनाती रहती है। उनका ये शुरू से इंटरेस्ट है उसको ड्राइंग में, और खेल कूद में भी हिस्सा लेती रहती है, वो पढ़ाई में बहुत होशियार है, और घर पे भी सभी का ख्याल रखती है।
और उसने फाइनल तक वो पहुंच चुकी है ड्राइंग में, और हमारे घर के कामकाज में भी हेल्प कराती है, और जैसे दादा है दादी है मम्मी पापा सबका कहना मानती है और बड़ों का आदर करती है, छोटों को सम्मान देती है, और अपनी दादी की भी वो लाडली है, हमेशा शुरू से उसकी बहुत केयर करती है। अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है, हमें ये आशा है कि वो अब जीत कर आए, हमारे और हमारे गांव का और स्कूल का वो नाम रोशन करे। नमस्कार जी, ये मेरी पोती है, इनके लिए मेरी बहुत खुशी है भी ये इतनी ऊंची पहुंचने के लिए तैयार है। ये मेरे दादा दादी है, मेरे दादा का नाम राम कुमार है और मेरे दादी जी का नाम मुनी देवी है, और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं इनकी दादी हूँ, मेरे को ड्राइंग में बहुत सपोर्ट करते हैं ये। ये मेरी बहन है, हम मस्ती करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, धन्यवाद। ये हमारी फैमिली है जी, इसमें हमारे पिताजी, मदर, ये माई वाइफ, माई डॉटर, माई सन, और टोटल हम 6 मेम्बर हैं जी परिवार में, खुशी खुशी रहते हैं, और परमात्मा से यही अरदास है कि जी हमारी जो लड़की है किसमें कितना दिन दम प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है, और हम यही अरदास करते हैं कि जी ये फाइनल राउंड क्लियर करके हमारे गांव का और स्कूल का और हमारा नाम रोशन करे जी, धन्यवाद। Thank you.
भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं जीत के आऊँ, अपने माता पिता, गांव और स्कूल का नाम रोशन कर सकूँ।